साहब क्या हाल चाल है? वालेकुम जी, मेहरबानी ना। साहब क्या पियेंगे आप, ठंडा या गरम? ठंडा मुबाल वो, जिन्नी गर्मी पैन डी ये गर्म हो ही जाना है। ठंडे में क्या पसंद करेंगे आप? कंजूस मुबाल वो, समझ नहीं तो गल नू काफ लीग दे नून लीग दा जूस कर के ना वो कंजूस बन जाता है। साहब आपकी लीग वाला काफ तो नुक्तों वाला है। काफ इको ही है, मेरे ना रौला पाया कैंची, अगर दूसरे काफ ना लिखो तो जल्दी नहीं। अच्छा चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं। सियासत क्या कह रही है? कुछ भी नहीं कह रही, चुप करके खलोती बेचारी, जिम्मे तलाकशुदा औरत नहीं चुप हुई होंगी। जैसा क्या देख रहे हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या देख रहे हैं आप? डेवलपमेंट केड़ी हुई है? जैसे ये जाली डिग्रियों वाला मामला बहुत आगे चला गया है। सारिया दी निकलन नहीं आने ते सही केड़ा है। चलो साहब आपके भी तो चार अरकान की जाली डिग्रियां निकली हैं। गलती इंसान को ही होंगी है। चलो साहब फिर नून वालों और पीपल्स पार्टी वालों से भी गलती हो गई। मैं की कहने है, मैं दे पहली कहने है, सारे एक को जाने हो कि वो अजीजी कहीं दा होंदा है, जड़ा पुनो ला रहे हैं। चलो साहब आप सियासत में कोई असूल नहीं रह गया? तो कुछ भी नहीं जी, सियासत कादी रह गई है, जाती लड़ाइयां लड़न दे ने एक दूजे। बिल्कुल जैसा अभी परसों आपके भतीजे को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। आहो जी, वो भी हमें सियासी चपकले जोर की देखो ना, तो जो अंदर दे दे ने। चलो ठीक है, उदे जेन जो ले नहीं निकले आगे सी घूमत च नहीं रहे, मगर ये तो नहीं ना के गिरफ्तारी कर ले बंदा। सर कानून तो तोड़ा होगा फिर उसने? वो कानून ने की तोड़े यार, इशारा तोड़ के निकल गए थे। जब वहां पर एलडीए वाले अपनी कार्रवाई कर रहे थे, उसने रुकावट पैदा की है वहां जाके? उन्हें की रुकावट पैदा की थी, उन्हें बुलडोजर के टायर जो वहां गड़ दी। सर बुलडोजर का तो टायर नहीं होता? टायर नहीं होता तो और लतों से टोरता बुलडोजर। लोहे का व्हील होता है उसका? नहीं, मैं कड़ा बुलडोजर चलाता नहीं। नवाज शरीफ का एक और बयान आया कि बाबर अवान नोटों का ब्रीफकेस लेके घूम रहा है। ओ, करो वकीलों की शॉपिंग करने निकले। लेकिन जैसा उन्हें इस तरह नोट लेके तो नहीं घूमना चाहिए? और मौत वाली मोटरसाइकिल लेके घूमे। मेरे नोट ही नहीं लै घूमन डे, नाल काले कोट भी लै घूमन डे। कोई वाकफ नजर आंदा उन्होंने काला कोट पवा के पैसे फड़ा देंदे। ए तुम्हें किधरे काला कोट पैसे लैण वास्ते नहीं पाया, तेरे भी दिन जो ब्रीफ केस लै के इधर भी आवे। सर मैंने तो इंटरव्यू के लिए पहना है। साड़ी गर्मी नाल मत बजी, तू कोट एडा गर्मी एडा डबल शाह चढ़े। कोट पहन के सर इंसान मौजूद लगता है ना? तेरा की ख्याल है मैं मौजूद नहीं लगन दे, मैं मौजूद बनने दे चक्कर च बेत कटा लेंगा। अच्छा चौधरी साहब, ये नवाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग को काबीना में शामिल करने के लिए जरदारी साहब ने मजबूर किया था उन्हें। सारे इन मजबूर ही कर देने यार, जरदारी ने भी मजबूर की थे काबीना च शामिल होना थे। फरवेद मुशरफ ने मजबूर किया था बाहर जाना, सऊदी अरब ने भी मजबूर किया। ये अपनी एक फिल्म क्यों नहीं बनाते मियां दी मजबूरियां। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि राणा सनाउल्ला ने कहा है कि आप लोगों के पास, चौधरी बरादरान के पास 74 एलीट फोर्स के जवान है। आपके पास है सर? एक ने गया राणा सनाउल्ला ने। ओ कौन है सर? वजीर कानून। अच्छा बाबरवान की गल कर रहे सर? सुबाई वजीर कानून। ओ कौन है? बड़ी बड़ी मूछों वाले। नवीद कमर। नवीद कमर नहीं, जो सब जिनके आए रोज अजीबो गरीब बयान नहीं आते। मीरा दी गल करन दे। नहीं चौधरी साहब, जिनके आए रोज किससे मशहूर हुए होते हैं? अच्छा अच्छा वीना मलक। जो सब जिनके बयानात बड़े गरम गरम होते हैं। अच्छा सलमान तजीर। आप जानबूझ के लगे हुए, आपको पता है कौन है राणा सनाउल्ला? तू एक ही सवाल की कर देते तू। सब राणा सनाउल्ला का बयान था मैंने पूछा है आपसे। उसका बयान है तो तू क्यों पूछने है? सब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। तू इंटरव्यू कर, तू कहते सवाल क्यों करना है?
ਓਏ ਸੂਫੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਰਾ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ? चाचा साहब ये तो सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे। केड़ा सवाल पूछ रहे हैं चाचा साहब? यही कि आपके पास 74 एलीट फोर्स के जवान है। जो अदर बंदे मैं पीछे बस लाई होंगी एडी में जंज लेके निकलने हैं बाहर होंगे ना 5-6-74 के बंदे वाड़ियां करानियां ने उन्होंने। अच्छा चाचा साहब, ये राजा रियाज ने कहा है कि आपकी पार्टी के बारे में कि ये तंगा पार्टी बन के रह गई। चोरी जहीर पायदान ते खलोता हुंदा या मैं गड्डी अगे घोड़ा जो है। लेकिन जो साहब इसके जवाब में आपके चौधरी जहीर ने भी कह दिया है कि राजा रियाज चौधरी परवेज इलाही के खास आदमी का मालशिया रहा है। अरे गल तो नहीं मैंने पता, मगर चोरी जहीर सियाना आदमी है। जो साहब आपका आदमी बयान दे तो वो सियाना है, दूसरा कहे तो वो बेवकूफ। नहीं नहीं, बयान वो देने जेड़े करने लाए में रौला ही पाया इन्होंने, अपना रौला पाया है। अवाम दी मुसीबतों को कोई नहीं देख रहे हैं। ये तो है वैसे चौधरी साहब कि अवाम की मुसीबतों को कोई नहीं देख रहा। आप देख लें, एक तरफ लोड शेडिंग अरूज पे और दूसरी तरफ गर्मी अपने इंतहा पे। और ये गर्मी देनी पैंडी ये बर्फ नु बेहतर निकल आउंदी। अंब बजारे गजी लसी पिंड है उदो देखो लोड शेडिंग मुकर नहीं डई। ये अवाम दा कसूर है ना, क्यों इन्हां नु वोट दित्ता अवाम ने? एहो जी अवाम दे बारे जी गया ना शायर ने, क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में, इस तरह तो होता है फिर उस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नाज़रीन, ये था हंस पे हाल। खुश रहे, खुश रखे, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। सब आपने एक शेर में दो गलतियां कर दी। दो गलतियां तो शायर आप सुनाने ले कर देंदा।